Good morning, student. Yesterday we have learned about external and internal organ. Now today we are going to discuss about brain. Brain is located in our head. Brain हमारे दिमाग हमारे सिर में स्थित है. It is protected by the skull. ये खोपड़ी के द्वारा संरक्षित किया जाता है. It is very soft and delicate. ये बहुत ही नाजुक और मुलायम है. And it works like a computer in our body. और ये कंप्यूटर की तरह हमारे शरीर में काम करता है. It receives message and commands the body to act accordingly. ये संदेश प्राप्त करता है और उसके अनुसार बॉडी कार्य करती है. It is divided into three part. ये तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है. Cerebrum, cerebellum, medulla. Heart. This is a small reddish organ present at the left side of the chest. ये छोटा सा लाल रंग का अंग है जो कि हमारी छाती की बाईं तरफ होता है. It has the size of our closed fist. इसकी साइज़ हमारी बंद मुट्ठी के जितनी होती है. It is made of muscles. ये मांसपेशियों से बना होता है. It pumps the oxygenated blood to different part of our body. ये शुद्ध खून को पंप करके शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है. There are number of blood vessels present in the heart. दिल के अंदर बहुत सारे खून की कोशिकाएं होती हैं. ब्लड वेसल्स आर द स्मॉल ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. ये खून की जो कोशिकाएं होती हैं ये एक ट्यूब की तरह होती हैं जो खून को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं. ये दो प्रकार की होती हैं. दे आर टू टाइप्स, वेन्स एंड आर्टरीज. वेन्स, द फंक्शन ऑफ वेन इज टू ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन. वेन्स का काम होता है इम्प्योर खून, बेकार खून को शरीर के अंदर हार्ट के अंदर लेके आना, फिर उसे साफ करना. आर्टरीज, द फंक्शन ऑफ आर्टरीज टू कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरीज का काम होता है खून को साफ खून को शरीर के दूसरे हिस्सों तक लेके जाना. हार्ट प्रोड्यूस अ ब्रीटिंग साउंड कॉल्ड हार्ट बीट. हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में धड़कन कहते हैं. ए हेल्दी पर्सन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट. एक स्वस्थ इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है. ए हार्ट बीट्स फास्टर देन द नॉर्मल व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज फिजिकल एक्सरसाइज. जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर. हार्ट चार चैम्बर्स में डिवाइडेड है. डैट इज राइट एरिकल, डैट इज राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. डैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. दिस इज चैप्टर वन ऑफ EVS. यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट ब्रेन एंड हार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लंग्स एंड लीवर. लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं. लंग्स आर टू स्पॉन्जी बैग्स फिल्ड विथ एयर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द हार्ट. लंग्स एक स्पंज टाइप बैग होते हैं जो हवा के साथ भरे हुए होते हैं और ये हार्ट के दोनों तरफ होते हैं. दे हेल्प अस इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी. ये हमें ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करते हैं बॉडी से. वी ब्रेथ इन एयर थ्रू अवर नोज. हम नाक के जरिए हवा सांस लेते हैं. द नोज इज कनेक्टेड टू ए विंड पाइप. नाक एक विंड पाइप के साथ जुड़ी हुई होती है. विच इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस. जो आगे फिर से दो ब्रांचेस में, दो टहनियों में डिवाइड होती है. एंड देन लंग्स, उसके बाद ये लंग्स के साथ जुड़ जाती है. द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स रीचेज द ब्लड एंड देन ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है वो लंग्स तक पहुँचता है और लंग्स से खून में जाता है और ये पूरे बॉडी में पहुँचता है. द वेट सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर पास थ्रू ब्लड देन टू लंग्स एंड आर एक्सपेल्ड थ्रू नोज. और जो वेट सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होते हैं ये खून के जरिए पास होके फिर लंग्स में जाते हैं और लंग्स के थ्रू ये नोज से बाहर निकलते हैं. दिस इज हाउ ब्रीथिंग टेक प्लेस इन अवर बॉडी. इस तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया हमारी बॉडी में चलती है. फोर्थ है लीवर, जिसको हम जिगर कहते हैं या यकृत भी कह सकते हैं हिंदी में. इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द रिबकेज. ये बहुत ही बड़ा अंग है जो रिबकेज के नीचे जुड़ा हुआ होता है.
द लीवर हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. लीवर हमें खाना पचाने और एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. इट सेव्स द बॉडी फ्रॉम पॉइजनस एंड केमिकल टॉक्सिन फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी बाय मेकिंग देम हार्मलेस. ये हमारी बॉडी को बचाता है जो रासायनिक तत्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहरीले तत्व होते हैं, उनको बॉडी में घुसने से बचाता है. इट प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. ये एक पदार्थ छोड़ता है बाइल नाम का, जिससे हमारा खाना पच जाता है. इट कीप्स अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट 37 डिग्री. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री तापमान में ही रखता है. इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है शरीर का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी एज इट स्टोर फूड फॉर लेटर टाइम. ये इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है अपने शरीर का, क्योंकि ये खाने को सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और बाद में इसका इस्तेमाल करता है. थैंक्स फॉर टुडे.